नमस्कार, ओडिया विद्यालय आपनको स्वागत। बर्षे दि वर्ष हो गला निश्चित भाव में जो भाया रेट बढ़ुची कि दर दाम सब जिनस बढ़ुची याप समस्त एक्चुअली गोटे चिंतार अच्छा या पर जी बर्तमान कह कि पुणी एक्चुअली ये सब जिनस आहुरी डबल ट्रिपल हो बढ़ कौटी ना कौटी समस्त मुंडे गोटे चड़क पड़ज कि एक्चुअली हूँ कौन कारण आम जाचे जब करोना सरी पुणी जो रशिया युक्रेन युद्ध होभठू एक्चुअली कौटी ना कौटी रेट सब बढ़ी चलती। ये जो रेट बढ़ा कि कमी कौन सी गोटे गोटे देश में कि प्रत्येक देश में दु तीन टा जिन फैक्टर पड़े कौन फैक्टर ना एक्चुअली से देशर वर्षा ठीक ठाक हो ना कि प्रडक्शन हो ना कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से देशर अच्छी ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अच्छी कि नापर आम कहीपर कि जो प्रकार कथा कहु कौन ना युद्ध वगैरह कथा कहु तो से जिन से देश में किसी हो ना तेणु ये सब जिन यदि ठीक रहे प्लस पेट्रोल प्राइसेस ठीक रहे ताहले कोठी ना कोठी गोटे देश रे एक्चुअली प्राइस स्टेबिलिटी ठीक रहे। वर्तमान कौन है ना यूरोपियन यूनियन जो 27 देश अच्छा प्लस अलका मेजर देश एमाने मिसिकी डिसाइड करी रशिया ठारू आमे एक्चुअली लिमिटेड तेल किणवा आल किणवा ना तो यापर पूरा इंपैक्ट कौन आसीबो भारत रे पेट्रोल इंडस्ट्री कि आम जो डीजेल पेट्रोल कथा कहूँ जोटा कि बढ़ीगले सब जिनस आपे आपे रेट बढ़ी जाए तो ताऊपर कौन इंपैक्ट आसीबो तो ग्लोबल आम जी कह पूरा विश्व रिसेसन कथा कहवा यापर भी कौन भैल्यू आसो बुझापे चेस्टा करवा बहुत इंपोर्टां जिन जाना निहत दरकार। ओके, टाइम्स ऑफ इंडिया आर्टिकल, रशिया रिजेक्ट 60 बिलियन कैप $60 कैप ऑन इट्स ऑयल, यूक्रेन वेलकम यूरोपियन यूनियन G7 मूव। कथा उठुची वर्तमान जो यूरोपियन यूनियन 27 देश प्लस अमेरिका कानाडा जापान ऑस्ट्रेलिया एमाने समस्ते मिसिकी गोटे प्रकार रशिया अगेंस्ट सैंक्शन लगे। सैंक्शन कौन ना डेफिनेटली रशिया जो पूर्व तेल बिकुला आम कहीपर 70-75 कि 68 डॉलर पर बेरेल एति बिकुला तो यूरोपियन यूनियन माने जेहेतु काली ठारु किंबा आम कहीपर December 5 पाखु से माने कहते जो सैंक्शन लगे बोली यहाँ काली ठू इम्प्लिकेबल हे कि लगे कौन ना $60 जी अधिका रशिया बिकव तेल आम कहीं किणबू ना किए किणवना ना यूरोपियन जो 27 देश प्लस कानाडा अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया एमाने होगले कहीं किणवे ना न किणिले एक्चुअली रशिया रे क्षति कौन हम। ओके, जेहेतु तेल किणाजीव ना रशिया पाखु फास्ट कौन रेवेन्यू कम हो सी जो एक्चुअली युद्ध करुच्छे युक्रेन सहित से रशिया हाथ में पैसा कम पड़ज तेणु ये जिनसपाई आम कहीपर यूरोप जो बर्तमान कहूँ कि रशिया ठार $60 उपरक किणवा ना तेणु जदि कथा उठुची कि अलग कौन सी देश $60 उपरकू किणी आणती तेल ताल कौन हो देख जो तेल टैंकर जावासवा करुच्ची समुद्र भितर सी 80-90% सेयार जो अच्छी ना से कहार अच्छी ना यूरोपियन यूनियन मानक अच्छी तेणु से टैंकर देवे ना रशिया पाखु अएल आने तेणु भारत अवस्था कि चाइनार अवस्था कौन देख ये जो $60 पर बेरेल वाला कैप लगाई कि प्राइस रेस्ट्रिक्शन रशिया लगाई ना से एक्चुअली चाइना कि इंडिया मानी ना कौन पर मान ना ना अफकोर्स भारत को रशिया सब बेले कौन करुच्छे ना डिस्काउंटेड रेट रे तेल दूची जदि आम देखा वर्तमान प्राइस सुधा से 62-60 पखापाखि रही भारत तेल पाँच तेणु जो प्रकार छोटमोट प्रेसर यूरोपियन यूनियन पाखु अमेरिका पाखु कि भाई साहब तुम्हें भारत हिसाब से तुम्हें भी एक्चुअली रशिया पर सैंक्शन जो आम लगे तुम्हें भी मानापी बाध्य हो कि मान बट देख रशिया सीधा सीधा या पूर्वर कही से जिन कौच जो प्रकार सैंक्शन लगोची यूरोपियन यूनियन से माने निजे फसिबे पूरा विश्व फसिबो मोर किसी हम ना कौन पर हम ना रशिया कह कथा जो प्रकार सैंक्शन लगोचंती मोर $60 अधिका हेले तेल बिक्री करें आमे वर्तमान प्रडक्शन ही कमेदे आम जी अधिका प्रडक्शन करुले से प्रडक्शन ही कमेदे केवल प्रडक्शन क्या करा ना जो मेजर आमर जी किणावाला अच्छा जोटा कि इंडिया और चाइना किणिया तो यापर यूरोपियन यूनियन कहते कि एक्चुअली तुम सीना तेल प्रडक्शन कर टैंकर कौटी अच्छी तुम पाखे टैंकर तो सब आम दे तुम तेल सप्लाय करना रशिया देखो मसे दुमास पाखापाखि ईरान रे सीरिया रे वेनेजुएला रे ये जो पुराणा टैंकर्स गुड़ा था से गुड़ा एक्चुअली काम करा स्टार्ट कर देती रशिया तम मैंने से जा सारी सैंक्शन एमती लगा बोली तेणु से जो पुराणा टैंकर मध्यम जोटा कि घोस्ट टैंकर घोस्ट सीप बोली कहुची से ही सीप मध्यम इंडिया चाइना पाखु तेल पहुँची जब कथा उठुची जदि भी इंडिया चाइना पर कौन ना कौन जगार प्रेसर पका जाए रशिया को मजबूरी करा जाए कि से इकोनॉमिकली इनस्टेबिलिटी हो जाऊ अफकोर्स रशिया जिते रागे सब जिन विश्व जना अच्छी न्यूक्लियर पावर अच्छी
ବାକି ଜିନିଷ ବି ତା ହାତରେ ଅଛି, ସେ କିଛି ବି କରିପାରିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜରେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ତ ଯିଏ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିପାରେ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ଭାରତ ହଉ ଚାଇନା ହଉ, ବିଲକୁଲ ରଷିଆକୁ ଏଟଲିଷ୍ଟ ପୁରା ଯେଉଁ ଖାଇଲା ବାଘ ଯେଉଁଭଳିଆ କୁହାଯାଏ ସେଭଳିଆ ନ କରାଯାଉ, କାରଣ ତାହାକୁ କିଛି ପଇସା ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ବାକି ଜିନିଷ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ରଷିଆ ପୁରା ତେଲ କଟ୍ କରିଦେଲା, ବିଲକୁଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କଲା ନାହିଁ, ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତେଲ ରେଟ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ। ଆଉ ତେଲ ରେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ, ଅଫକୋର୍ସ ପୁରା ଗ୍ଲୋବାଲ ରିସେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ହେବ, ଭାରତ ଚାଇନା କେବଳ ବଞ୍ଚିଗଲେ ହେବ ନାହିଁ, ପୁରା ବିଶ୍ୱ ସହିତ ଯେହେତୁ ଅର୍ଥନୀତି ଯୋଡ଼ା ଅଛି, ତେଣୁ ଭାରତକୁ ସିନା ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟରେ ତେଲ ମିଳିଯାଉଛି, ଚାଇନାକୁ ମିଳିଯାଉଛି, ବାକି ଦେଶ ସହିତ ଭାରତରେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ବିଜନେସ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଅଫକୋର୍ସ ଯେତେବେଳେ ରଷିଆ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଡିସିସନ୍ ନେଇଯିବ, ୟୁରୋପିଆନ୍ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫସିଯିବା ଭଳିଆ ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିବ। ଚେଷ୍ଟା ତ ଏଇଆ କରାହେବ, ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଯେମିତି ଏ ଯେଉଁ ସାଙ୍କସନ୍ ଲଗାହେଲା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଙ୍କସନ୍ ରଷିଆ ପରେ, ସେଇଟା ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିଅନ୍, ଆମେରିକା, କାନାଡ଼ା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମାନେ ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ଲସ୍ ଚାଇନା ଭାରତକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରେସର୍ ନ ପକାନ୍ତୁ କି ରଷିଆ ଠାରୁ ତୁମେ ବି ଯେଉଁ ତେଲ କିଣୁଛ $60 ଉପରକୁ ହେଲେ ତେଲ କିଣ ନାହିଁ, ପ୍ଲସ୍ ରଷିଆ ବି ଏମିତି ଓଲଟା ସିଧା କିଛି ବଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡିସିସନ୍ ନ ନେଉ, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ବିଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୁଜାରୁଛି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ କି କ୍ରିମିନାଲ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ସବୁ ବିଷୟରେ ବଢ଼ିଯିବ। ଅଫକୋର୍ସ ଡେଫିନେଟଲି ଭିଡ଼ିଓ ରଖିବି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ମତାମତ ଲେଖନ୍ତୁ କି ଭାରତକୁ ସେଇ ପ୍ରାଇସ୍ କେପ୍ ଯେଉଁ ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଦେଇଛି ସେଇଟା ମାନିବା ଦରକାର, ୟା ଫିର୍ ଭାରତ ଯେଉଁଭଳିଆ ଫଣ୍ଡାରେ ଆଣୁଛି ତେଲ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ସେଇଟା ହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଲେଖନ୍ତୁ ମତାମତ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ରଖୁଛି।